हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जो कि एमएससी फर्स्ट सेम का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। 2022 का तो मैंने आपको वीडियो बना दिया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी फर्स्ट सेम के प्लेलिस्ट, एमएससी फर्स्ट सेम क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में अलग से बनाई है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश का जो पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, वो हमेशा इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ये जो है क्वेश्चन पेपर 2021 का है, और सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए में। तो एक नंबर, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, एक्सप्लेन हार्मोनिक ऑस्कुलेटर। तो ये टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, और बहुत टाइम की टॉपिक है। फिर इसके और में है, डेरिव द वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो ये भी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन वेरिएशन थ्योरम। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसकी जो और में है, राइट अ नोट ऑन चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशन, ये भी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब हम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेडर ऑपरेटर। ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और इसके जो और में है, एक्सप्लेन एंटीसीमेट्रिक विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सारे ही टॉपिक मोस्ट टाइम भी है गाइस, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि आपको कंप्लीट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर नॉन आइडियल सिस्टम। ये भी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एक्सप्लेन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ये भी मैंने जो सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का, तो ये सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर मैंने कर दिया है यहाँ पे। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, एमएससी फर्स्ट सेम की फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट इज मीन्ट बाय मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक मैंने शायद आपको पता नहीं कराया ही नहीं, मैं देख लूँगी एक बार, और नहीं तो फिर ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दूंगी आपको। फिर इसके और में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टीशियन फंक्शन। तो ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर सेक्शन नंबर सी देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन अ बॉक्स सिस्टम। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। ठीक है, इसके जो और में है, डिस्क्राइब द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन डिटेल। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे, गिव द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड टू द हीलियम एटम। ये टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। एक्सप्लेन द, इसका जो और वाला देखेंगे, एक्सप्लेन द डिटेल द हकल थ्योरी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, डिफरेंटिएट बिटवीन ऑर्डिनरी एंड जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके जो और में है, इसमें आपको राइट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो किसके बारे में, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो ये भी मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कॉफिशिएंट हाउ आर द डिटरमाइंड। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके और में है, ड्रॉ अ फेस डायग्राम फॉर अ ट्राई कंपोनेंट सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट टेकिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सप्लेन ब्रीफली इनसेम्बल एवरेजिंग और कैनोनिकल असेंबल। तो ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, शायद मैं देख लूँगी, अगर नहीं कराया है तो आप चेक करके मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगी। इसके जो और में है, डिक्यूस फार्मी डिराक सब्सटीट्यूशन लॉ गिव इज इट्स एप्लीकेशन। तो ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये इसी से हमको समझ में आता है कि हमारा काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
और अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से मैंने नहीं कराया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं करा दूंगी। आपको क्या करना है देखिए, ये तो मैंने आपको जो है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उस हिसाब से बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर रखे हैं एमएससी फर्स्ट सेम के, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा इजी लैंग्वेज तो है, जो कि मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है इसका लिंक, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, और वहाँ पे आप मुझे ये सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, या मैंने आपको वहाँ पे मैसेज भी किया रखा है कि अगर आपका सिलेबस आप मुझे सेंड कर देंगे तो मैं वहाँ से आपके सिलेबस देकर नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग क्या है अपना अपना सिलेबस सेंड कर दीजिएगा वहाँ पे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हमको कितना और सिलेबस कंप्लीट करना है हमारा, ठीक है। इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरी मेरा फ़ायदा तो कुछ है नहीं इसमें। तो आप सिलेबस भी सेंड कर दीजिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है मैं फर्स्ट सेम के, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ यहाँ को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर एम एस फर्स्ट सेम के नोट्स आपको परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।